नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल देसी वाटिका पर। दोस्तों, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अक्टूबर का अपने गार्डन का ओवरव्यू। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए मेरा गार्डन कैसा आपको लगता है। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको मेरा गार्डन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ये मेरा सेकंड फ्लोर का गार्डन का ओवरव्यू है। यहाँ कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं रंग बिरंगे और कुछ शो प्लांट है। तो दोस्तों, ऐसा दिखता है मेरा सेकंड फ्लोर का गार्डन का ओवरव्यू। दोस्तों, अगर मेरे गार्डन में कुछ बदलाव करना है या फिर कुछ ऐड करना है जिससे मेरा गार्डन और बेटर दिखे, अगर आप लोग के पास कुछ एडवाइस है, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं इस मोसंडे के प्लांट से। कितना खूबसूरत मेरा पौधा लग रहा है। इसका वीडियो मैं शेयर की थी जब शॉपिंग करके लाई थी इसको, और साथ में एक गुलदावती है जिसमें बर्ड्स आना शुरू हो गया है, इसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी। दोस्तों, अभी जो सबसे ज़्यादा फ्लावर्स देने वाला प्लांट है वो है गुल मेहंदी, इसे बालसम भी कहते हैं। ये देखिए मेरा पिंक कलर का गुल मेहंदी कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना सारा फ्लावर्स इसमें आया हुआ है, और साथ में ये पिंक कलर का रोज भी है। ये अब ख़राब हो चुका है। और साथ ही मेरे बहुत ही खूबसूरत मैरीगोल्ड का फ्लावर है येलो कलर का, और ये साथ ही ऑरेंज कलर का, और साथ में ही मेरे पेंटास का प्लांट है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, पेंटास पूरे साल फ्लावरिंग करता है। अगर आपको पूरे साल फ्लावर चाहिए तो पेंटास ज़रूर लगाइए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। बिल्कुल 5 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही मेरा पिटोनिया लगा हुआ है और ये वर्वीना है जो फ्लावरिंग कर रहा है। दोस्तों, ये वही हिबिस्कस है जिसे मैं रिपोर्ट करके आप लोग को दिखाई थी। इसमें काफ़ी फ्लावर्स आ चुके हैं पहले ही, और देखिए साथ में वर्ड्स भी और आ रहे हैं। और ये मेरा मैरीगोल्ड का एक और प्लांट है, और ये वर्वीना का प्लांट है, 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। साथ ही ये देखिए वाल्सम का प्लांट है, ये ऑरेंज कलर का वाल्सम है। दोस्तों, ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें हुआ है। दोस्तों, बालसम भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। बस मिट्टी बनाते टाइम इसमें आप एक बार फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, दोबारा आपको फर्टिलाइज़र ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए मेरा पर्पल कलर का बालसम बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, बालसम के बहुत सारे कलर आते हैं, पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर और ऑरेंज कलर, और बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है। और ये अक्टूबर से दिसंबर तक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स देने वाला पौधा है ये। दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है आपको, ये मेरे 4 से 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखिए मेरे 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये। ये मेरा वर्वीना है, ये भी 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और ये मेरा मैरीगोल्ड जिसे आप पहले भी देख चुके हैं, ये देखिए मेरा ही हिबिस्कस का प्लांट, और इधर से पेंटास दिख रहा है। बात करें मैरीगोल्ड का तो इसमें काफ़ी सारे वेराइटी आता है और इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं, ऑरेंज, येलो और रेड कलर के छोटे छोटे से जाफरी वाला जो गेंदा आता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है गेंदे का भी, आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और इधर ये मेरा रोज़ का कॉर्नर है, जल्द ही मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी जिसका वीडियो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। दोस्तों, ये इंडोर प्लांट है, यहाँ पे धूप बहुत कम आती है इसलिए मैं इसे रखी हुई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए इसमें भी बालसम लगा हुआ है और साथ में मैरीगोल्ड भी है। इस पॉट में भी मेरा मैरीगोल्ड है और एक बालसम का प्लांट लगा हुआ है, और ये साथ में मेरा अजेलिया का प्लांट है, इसे मैं अभी सर्दियों के लिए रेडी कर रही हूँ, सर्दियों में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग इसमें आता है। और साथ में यहाँ पे ये मेरा कुछ शो प्लांट है, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, और ये देखिए मेरा सबसे खूबसूरत पौधा, और इसमें कितना प्यारा प्यारा फूल आया हुआ है, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है ये, और इसमें कितने सारे वर्ड्स आए हुए हैं। दोस्तों, ये मेरा सबसे खूबसूरत प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्लावरिंग हो रहा है, और ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। दोस्तों, इसमें कोई भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है, गेंदा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है।
और साथ ही मेरे और भी मैरीगोल्ड के प्लांट है, इसमें भी काफ़ी सारे वर्ड्स आए हुए हैं। ये देखिए कितना सारा वर्ड्स आया हुआ है इस पर। जब भी इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका भी वीडियो। और साथ ही देखिए यहाँ पर मेरा राखी बेल का पौधा है, कृष्ण कमल का, इसमें भी वर्ड्स आया हुआ है। और ये दो तीन फ्लावर्स मुझे दे भी चुका है जब से ऐड हुआ है मेरे गार्डन में। और इस साथ में देखिए रजनीगंधा का पौधा है, ये फ्लावरिंग नहीं किया इस बार। और ये देखिए इधर मेरा सारा गुलदाउदी का प्लांट, जिसे आप पहले भी देख चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। दोस्तों जैसा कि मैं बताई हूँ, गुलदाउदी में मैं जब भी फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी तो आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए इधर से कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा गार्डन। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है इस समय गार्डन, जब आपके गार्डन में रंग बिरंग के फ्लावर्स खिलना शुरू होता है। और अभी तो सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों में काफ़ी सारे फ्लावर्स तो रहते ही हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा सेकंड फ्लोर का गार्डन, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा गार्डन आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों अब चलिए नीचे मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का सैर कराती हूँ। ये देखिए मेरा मनी प्लांट, इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। ये देखिए मेरा जैस्मिन का दो प्लांट है, जो सर्दियों के मौसम में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करेगा। और साथ ही एक जोरा, देखिए कितना बड़ा फ्लावर इसमें आया हुआ है। मेरा सारा एक जोरा में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। ये देखिए मेरा पिंक कलर का एक जोरा और साथ ही ऑरेंज कलर के एक जोरा में भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए एकदम पूरा गमला भरा हुआ है। और ये देखिए मेरा फर्स्ट फ्लोर गार्डन का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे थूजा का प्लांट लगा हुआ है, जिसे मोर पंखी भी हम लोग कहते हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा गार्डन। साथ में कुछ क्रोटोन लगाए हुए हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा येलो और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है क्रोटोन का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में यूफोर्बिया मिली का प्लांट है, ये भी ठंड में काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग करता है। ये लेमन ट्री है और साथ में चांदनी का प्लांट है, ये मेरा क्रिसमस ट्री का प्लांट है। साथ में लगा हुआ है मेरा पाम, एरिका पाम, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है मेरा देसी विंग का, यानी देसी सदाबहार का प्लांट। और ये अपराजिता का बेल लगा हुआ है, वाइट कलर का अपराजिता का बेल। और ये साथ में गोमफ्रेना का है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है ये। और इधर देखिए बहुत बड़ा मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी बर्ड्स आ रहे हैं। और ये देखिए मेरा हाइब्रिड विंग का है, ये भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। काफ़ी छोटा प्लांट है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ पोर्चुला लगाई हुई हूँ मैं, वाइट कलर और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों गर्मियों में पोर्चुला काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करता है और काफ़ी अच्छा लुक देता है गार्डन को। दोस्तों यहाँ पर मैं सर्दियों के कुछ बेबी प्लांट लगाई हुई हूँ। ये देखिए वर्बीना है, इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। और ये मेरा कैलेंजोई का प्लांट है, काफ़ी छोटा है अभी लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये मेरा पिटूनिया का प्लांट है, ये भी सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। यहाँ पर एक और वर्बीना है और साथ में मेरा डॉग फ्लावर का प्लांट है, ये देखिए इसमें बर्ड्स भी आया हुआ है। और साथ ही कुछ गुलदाउदी का कटिंग यहाँ पर लगा हुआ है। और ये है मेरा यूफोर्बिया मिली का प्लांट, इसे भी मैं कटिंग से ग्रो की हूँ, काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये भी। और साथ में ये मनी प्लांट का जो पौधा है, इसे भी मैं कटिंग से ग्रो की हूँ और ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है मेरा फर्स्ट फ्लोर का गार्डन। दोस्तों मेरा गार्डन बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ है और कुछ मेरा शो प्लांट लगा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है गार्डन को। और इधर देखिए मेरे सारे एक जोरा का प्लांट है, जो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। दोस्तों मुझे एक जोरा का प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये पूरे गर्मी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा रेस्ट करता है, लेकिन पूरे गर्मी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बगिया का ख्याल रखिए।